देखिए जैसे सपोज करो कि मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूं डाइन के साथ, ये ओएमई ग्रुप, ये ओएमई ग्रुप प्लस, ठीक है, हीट की प्रेजेंस, ये क्वेश्चन क्या दिखने में दोनों सेम लग रहे होंगे भाई, डाइनोफाइल सेम है, डाइन इन भी सेम है, लेकिन क्या है ये मैं घुमा के लिखा है और ये इस साइड होगो में लिखा है। भाई देखो जो ये अप्रोच होता है ना, इसको बोलते हैं हम एक्सो अप्रोच, किसको, एक्सो अप्रोच, और जो ये हमारा होता है ये होता है हमारा एंडो अप्रोच। ये क्या होता है हमारा एंडो अप्रोच, बात समझ में आई, ये क्या है एक्सो अप्रोच और ये क्या है हमारा एंडो अप्रोच, कि हमारे जो डाइनोफाइल आ रहे हैं वो अंदर घुस रहा है, तो क्या दोनों की स्टेबिलिटी कौन है, हमारा प्रोडक्ट किससे एंडो अप्रोच से बनेगा या फिर एक्सो अप्रोच से बनेगा। तो देखिए होता क्या है, एक्सो अप्रोच क्या होता है भाई, एक्सो अप्रोच अगर ये सिंपल क्या है हमारी डाइन है, क्या है सिंपल हमारी डाइन है, बात कर लेते हैं ये क्या हमारा सिंपल डाइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये क्या हमारी डाइन, तो डाइन क्या है तो हम क्या करते हैं सिंपल बना देते हैं डाइन, सिंपल क्या बना देते हैं हम डाइन क्या बना देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब हमारी डाइन किससे एक्सो अप्रोच कर रही हो, किससे अप्रोच कर रही हो, एक्सो अप्रोच कर रही हो भाई, एक्सो अप्रोच में हो क्या रहा है, वो क्या रहा है एक्सो अप्रोच में ऑक्सीजन, ये क्या है एक्सो अप्रोच है, तो इसमें ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, बात समझ में आई, ये क्या हो रहा है सिंपल हमारी बॉन्डिंग फॉर्मेशन है, कोई एक्स्ट्रा सिर्फ क्या हो रहा है एक प्राइमरी इंट्रैक्शन ही हो रहा है, कैसा हो रहा है हमारा एक प्राइमरी इंट्रैक्शन ही हो रहा है, क्या हो रहा है प्राइमरी इंट्रैक्शन। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें एंडो अप्रोच में, तो एंडो अप्रोच में देखिए कैसे करते हैं, ये क्या था हमारा एक्सो अप्रोच था, ये क्या है बाहर की साइड है ओ, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सो अप्रोच हो गया। अगर इसी को क्या करूं मैं घुमा के कर देता हूं, घुमा के देखिए कैसे बनेगा, तब हम इसको घुमा के लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाता है ऑक्सीजन यहां पे, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब होता क्या है इस केस में, जब हम एंड अप्रोच करते हैं तो ये थोड़ा और ऊपर होता है, नीचे दिखा दिया है लेकिन ये थोड़ा और अबव होता है, तब यहां पे आता है तो इसमें ये इंट्रैक्शन तो हो रहा है, कौन सा ये इंट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या होता है एक सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी होता है, क्या होता है सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी होता है, तो ये क्या है इसका प्राइमरी इंट्रैक्शन है, ये क्या है इसका प्राइमरी इंट्रैक्शन है, लेकिन साथ ही साथ होता क्या है कि इसमें सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी होता है, तो इस वजह से जो हम प्रोडक्ट प्रीफर करते हैं भाई सेकेंडरी इंट्रैक्शन हो गया पाई पाई ऑर्बिटल के बीच में, तो इससे क्या हो गया मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी तो हम अपना प्रोडक्ट चाहेंगे कि वो हमेशा एंडो से ही अप्रोच करके बने, किससे एंडो से ही अप्रोच करके हमारा प्रोडक्ट बने, तो जब हमारा प्रोडक्ट एंडो अप्रोच से अप्रोच करके बनेगा तो जो ग्रुप हो गए वो क्या चले जाएंगे सारे के सारे बिलो द प्लेन चले जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एंडो अप्रोच कर रहे हैं, देखिए जब हम एंडो अप्रोच करेंगे तो ये ग्रुप क्या करेगा नीचे छुप जाएगा, तो हमारा एंड वे अप्रोच होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया आता है इसमें क्या आता है भाई, देखिए ये क्या बन गया ओएमबी, ये क्या हो गया हमारा ओएमबी, जब हमारा एंड वे अप्रोच से होके आता है ये क्या होगा थोड़ा नीचे बनेगा झुक के, क्या बनेगा थोड़ा नीचे झुक के बनेगा, ये क्या हो गया हमारा एंडो, ये थोड़ा क्या होगा नीचे की तरफ झुका हुआ होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम एंडो प्रोडक्ट। जो एंडो प्रोडक्ट होता है, खास बात सुन ले कि जो एंडो प्रोडक्ट होता है और एक्सो प्रोडक्ट होता है, एंडो प्रोडक्ट हमारा
काइनेटिकली मोर स्टेबल होता है, काइनेटिकली हमारा मोर स्टेबल होता है, लेकिन थर्मो जो हमारा एक्सो प्रोडक्ट होता है वो हमारा थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। लेकिन हम प्रीफर कौन सा करते हैं, फेवरेबल किसको मानते हैं, हम किसको मानते हैं, एंडो को फेवरेबल मानते हैं। भाई ध्यान से देख देख लीजिए क्या है, एक एंडो प्रोडक्ट मिलता है और एक हमको एक्सो प्रोडक्ट मिलता है। जो एंडो प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिकली फेवरेबल होता है, काइनेटिकली मोर स्टेबल होता है, बात समझ में। और जो हमारा एक्सो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल होता है। और हमको किसमें परफॉर्म करना है, हमें अप्रोच हमेशा किसके भाई, इसमें क्या होता है, एंडो में एक्स्ट्रा सेकेंडरी इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी इंट्रैक्शन होता है जिससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड में, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड में। लेकिन एक्सो में कोई भी सेकेंडरी इंट्रैक्शन नहीं होता। तो हमारा तरीका क्या है चूज करने का कि हम हमेशा क्यों एंडो को लेते हैं, एंडो तो काइनेटिकली फेवरेबल होता है, सेकंड है कि इसमें सेकेंडरी इंट्रैक्शन होता है पाई पाई ऑर्बिटल के बीच में जिससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंपाउंड में आ जाती है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एंडो कंपाउंड को ही प्रीफर करते हैं। अब देखिए एक्सो और एंडो प्रोडक्ट दो सिस्टम में होगा, साइक्लिक सिस्टम में होगा और एसाइक्लिक सिस्टम में होगा। तो पहले हम समझा देते हैं कि एसाइक्लिक सिस्टम में एंडो किसको बोलते हैं और एक्सो किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मैं एक सिंपल एक ही इसमें समझा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मान लेते हैं इनको NO2 और NO2। भाई हमेशा क्या होगा, अप्रोच होगा किससे, बिलो द प्लेन। भाई ये तो हमें कंफर्म हो गया कि डायनोफाइल हमेशा क्या होंगे, बिलो द प्लेन होंगे। तो हमेशा एक पॉइंट यहां पे लिख लो कि जो डायनोफाइल होंगे वो हमेशा क्या, बिलो द प्लेन अप्रोच मारेंगे। और जब बिलो द प्लेन अप्रोच मारेंगे तो इनकी जो स्टीरियो होगी हमेशा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या होगी, बिलो द प्लेन ही होगी। क्या होगी, डायनोफाइल हमेशा ऑलवेज बिलो द प्लेन, ऑलवेज बिलो द प्लेन, बात समझ में। तो हमारी जो स्टीरियो होगी डायनोफाइल की हमेशा क्या होगी, बिलो द प्लेन होगी। तो जब हम इसकी स्टीरियो डिफाइन करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, एक लाइन को डिफाइन करना है, क्या कर लेना हमें डिफाइन करना। हाँ भाई, तो हम क्या देख रहे थे, हमें क्या लिखनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन क्या है, इस लाइन को ध्यान से देखो, लाइन को हमें क्या करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करनी है और हमें पता करना है कि कौन अबव द प्लेन होगा और कौन हमारा बिलो द प्लेन होगा। बस हो जाए भाई, एक तरीका तो ये है कि जब ये हमारा डायनोफाइल किस फॉर्म में दे रखा हो, सिस फॉर्म में दे रखा हो, किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में दे रखा हो, और डाइन के लिए ये सिस्टम फिक्स है। फिर क्या करना है भाई, जो इस लाइन के राइट हैंड साइड पे है, जो इस लाइन के क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे, ध्यान रखिए जो इस लाइन के राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है, तो वो क्या चले जाएंगे, सारे के सारे ग्रुप अबव द प्लेन चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे हमारे, अबव द प्लेन चले जाएंगे, किसमें, अबव द प्लेन चले जाएंगे। ध्यान से सुन लो इस बात को कि जो इस लाइन के, भाई एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये दो हाइड्रोजन क्या चले जाएंगे, अब हमारे अबव द प्लेन चले जाएंगे। और जो डायनोफाइल पे जो ग्रुप होते हैं डायनोफाइल पे भी हमेशा क्या चले जाते हैं, बिलो द प्लेन चले जाते हैं, जब हमारी क्या फॉर्म हो, सिस फॉर्म में हो। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म में आ गया तो एक अबव द चला जाएगा और एक बिलो द प्लेन चले जाएगा। तो देखिए इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, जब हम इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे देखिए कैसे होगा। तो ये NO2 दोनों क्या चले जाएंगे हमारे, बिलो द प्लेन चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, दोनों बिलो द प्लेन चले जाएंगे, चले गए भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद ये दोनों ग्रुप क्या है, ये दोनों ग्रुप तो राइट हैंड साइड पे है नहीं, तो ये भी क्या हो गया हमारे, बिलो द प्लेन होंगे, ये भी क्या होंगे हमारे, बिलो द प्लेन होंगे, CH3। फिर जो हाइड्रोजन बचते हैं ये क्या चले जाएंगे हमारे, अबव द प्लेन चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे हमारे, अबव द प्लेन चले जाएंगे। अब ध्यान से देखो, जब कभी स्टीरियो केमिस्ट्री इन ग्रुप की, जो हमारे किस पे, डाइन ग्रुप पे लगे हैं,
इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जब डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री से मैच करती है तब उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एंडो प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंडो प्रोडक्ट बोलते हैं। और हमारा एंडो प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। अगर कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारे डाइन के ग्रुप की डाइनोफाइल के ग्रुप से मैच नहीं करती, जो ही लगे हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनसे मैच नहीं करती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक्सो प्रोडक्ट हमारा प्रीफर नहीं करता, तो एंडो प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो इसी में ही हम क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट केस हो सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के एसाइक्लिक सिस्टम में। तो देखिए भाई, ये बात समझिए कि जो ग्रुप राइट हैंड साइड पे आएगा उसको हमको क्या ले जाना है, अबव द प्लेन ले जाना है। क्या ग्रुप को ले जाना है हमें, अबव द प्लेन ले जाना है। देखिए कैसे, देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है भाई, ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप हमारा ऊपर हो, ये ग्रुप क्या हमारा नीचे हो। बात समझ में, हम क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। जब हम इसका क्या कराएंगे, NO2 की प्रेजेंस पे कराएंगे। सिंपल एक ही ले रहा हूं अभी डाइनोफाइल में, एक ही NO2, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। जब हीट की प्रेजेंस पे करेंगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए कैसे डिफाइन होगी। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। डाइनोफाइल में मैं क्या बताया, हमेशा बिलो द प्लेन होगा NO2, क्या होगा हमेशा बिलो द प्लेन होगा। तो ये हमारा क्या चला जाएगा, बिलो द प्लेन NO2 ग्रुप चला गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ये लाइन होगी हमारी ड्रॉ भाई, ये क्या सिंपल डेटिस लाइन वाली। इसके बाद चेक करो इस पे, ऐसे हाथ रख के देख लो कि जो इस साइड में है, राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड में वो क्या होगा, वो हमेशा अबव द प्लेन चला जाएगा, और जो इस प्लेन पे होगा वो क्या चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो जो हमारा ग्रुप है प्रेजेंट, ये मैं डिफाइन कर देता हूं, यहां पे सपोज करो कि हाइड्रोजन है और यहां पे क्या है, सी एस थ्री ग्रुप है। बात समझ में, तो ये हाइड्रोजन हमारा कहां चला जाएगा, अबव द प्लेन। तो ये हमारा हाइड्रोजन कहां जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा, और ये CS3 ग्रुप क्या चला जाएगा, हमारा बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारा एंडो प्रोडक्ट है, ये भी क्या है, हमारा एंडो प्रोडक्ट है। बात समझ में। अब देखिए दूसरा और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं भाई, और पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों के दोनों ग्रुप क्या आ गए, अंदर आ गए, प्लस किसके साथ, फिर से हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हीट की प्रेजेंस पे। तो अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी, फिर से लाइन ड्रॉ कीजिए। तो लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों के दोनों ग्रुप क्या जा रहे हैं, बिलो द प्लेन जा रहे हैं, दोनों के दोनों ग्रुप क्या जा रहे हैं, सॉरी अबव द प्लेन जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, दोनों के दोनों अबव द प्लेन। और जो ये हमारा सी डबल एच ग्रुप होगा, ये क्या होगा, हमेशा बिलो द प्लेन होगा। तो देखिए क्या से बन जाएगी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये आ गया। तो सी डबल एच हमेशा क्या होगा, सी डबल एच हमेशा कहां चला जाएगा, हमारा बिलो द प्लेन। तो ये दोनों सी एस थ्री ग्रुप क्या है, राइट हैंड साइड पे है, तो ये दोनों के दोनों ग्रुप क्या चले जाएंगे, अबव द प्लेन चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, दोनों सी एस थ्री ग्रुप अबव द प्लेन चले जाएंगे, और हाइड्रोजन हमारे ऑटोमेटिकली कहां चले जाएंगे, बिलो द प्लेन चले जाएंगे। तो इस केस में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री सी एस थ्री की है और सी डबल एच की क्या है, दोनों की डिफरेंट है भाई, एक अबव द प्लेन है, अरे बिलो द प्लेन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सो प्रोडक्ट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सो प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में। और क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन इस पे परफॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक केस होते भाई, इसमें होगा क्या कि एक केस में ये देखिए, ये क्या आ गया हमारा CS3 ग्रुप, ये क्या आ गया हमारा CS3 ग्रुप। सपोज करो कि अगर ये ग्रुप क्या आ गए भाई, सी डब्लो एच, ये क्या आ गया हमारा सी डब्लो एच। बात समझ में आई, क्या है सी डब्लो एच, सी डब्लो एच। तो इस केस में होगा क्या भाई, ये भी क्या हो गया हमारा ट्रांस हो गया, और ये भी क्या है हमारा ट्रांस। तो फिर से हमें तो इसमें क्या लगाना है, सिंपल वही रूल लगाना है, क्या वही रूल। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, अबव द प्लेन चला जाएगा, और सी डबल एच ये किसका, हमेशा बिलो द प्लेन अप्रोच करेगा। तो ये क्या, जब ये भी क्या है, जब बिलो द प्लेन अप्रोच करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सी एस थ्री ग्रुप अबव आ जाएगा, ये सी एस थ्री ग्रुप क्या चला जाएगा हमारा अबव द प्लेन चला जाएगा भाई। अब सी डबल एच ग्रुप है, सी डबल एच ग्रुप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को अबव द प्लेन ले जाओ और किसी को भी तुम बिलो द प्लेन ले जा सकते हो। तो देखो किसको, अगर मैं पॉसिबिलिटी क्या बनती है, दो पॉसिबिलिटी बनती है भाई, देखो या तो ये सी डबल एच क्या चला जाएगा अबव द प्लेन, और ये हमारा क्या चला जाएगा बिलो द प्लेन।
तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, प्रीफर प्रोडक्ट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती थी, दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या बनती थी, देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या बनती थी, ये क्या आ जाएगा हमारा CH3 ग्रुप, ये क्या आ जाएगा COOH ग्रुप, ये क्या आ जाएगा CH3 ग्रुप, और ये क्या आ जाएगा COOH। अब देखिए क्या बनती है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी ये थी और एक पॉसिबिलिटी ये थी, तो इस पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है कि दोनों सीएस ग्रुप, इन दोनों ग्रुप की क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री मैच कर रहे हैं, इधर इन दोनों ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री मैच कर रही है, तो दैट मींस ये क्या बना रहा है, एंडो प्रोडक्ट प्रीफर कर रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये हमारा प्रोडक्ट मान लिया जाएगा फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा। इस केस में देखो CH3 COOH की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, डिफरेंट है, क्या है हमारी डिफरेंट है, तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई, और इजी कर देते हैं, अगर कभी ट्रांसफॉर्म में आ जाए तो फिर क्या काम करो, जो ऊपर वाला ग्रुप है ना इसको पलट लिया करो, इसको पलट लिया करो, क्या कर लिया करो, इसको पलट लिया करो, देखो कैसे भाई, अगर एक ग्रुप डायनोफाइल पे आ गया या दोनों के दोनों ग्रुप सेम आ गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को क्या कर दो, बिलो द प्लेन कर दो। अब देखो अगर कंडीशन ऐसे आ जाती है, सिंपल इक्वेशन और बता देते हैं, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया CH3 ग्रुप, ये आ गया हमारा OMe ग्रुप, बात समझ में। अब देख लेते हैं ये क्या आ गया हमारा NO2 ग्रुप, ये क्या आ गया हमारा NO2 ग्रुप, ठीक है, अप्रोच देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, O नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज जनरेट कहां पे होगा, यहाँ पे, इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा जनरेट, पॉजिटिव, बात समझ में। अब देखिए जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री निकालेंगे तो ये क्या है, OMe क्या है, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे तो ये कैसे चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ये अबव द प्लेन चला जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए ध्यान से, ये क्या आ गया CH3 हमारा अबव द प्लेन चला गया, और ये CH3 क्या था हमारा बिलो द प्लेन चला गया, बात समझ में। डाइन की स्टीरियो केमिस्ट्री निकालनी इजी है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन पता लग गया, लाइन पे है तो बिलो द प्लेन, और लाइन के राइट हैंड साइड पे है तो अबव द प्लेन। अब देखो डाइनोफाइल में जब ऐसी ट्रांस वाली कंडीशन आ जाती है तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, ऐसे रफ करके क्या करो, अप्रोच बदल दो, अप्रोच क्या कर दो, हमने क्या बताया था भाई, एंड अप्रोच करता है, तो NO2 इस साइड कर दो और ये NO2 इस साइड कर दो, बदल दिया। जब तुम इन दोनों को इसमें घुसाओगे, जब NO2 को क्या अंदर की तरफ अप्रोच करोगे तो ये NO2 कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे, क्या चला जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे, तो जब ये राइट हैंड साइड पे चला गया तो ये NO2 क्या आ गया हमारा अबव द प्लेन चला गया, और ये NO2 क्या चला गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमारा क्या चला गया बिलो द प्लेन चला गया। इजी है भाई निकालना, फिर से सुन लो भाई, डाइन का निकालनी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिंपल है, लाइन पे आ गया तो बिलो द प्लेन, लाइन के राइट हैंड साइड पर आ गया तो अबव द प्लेन। फिर डायनोफाइल में अगर एक ही होता, अगर सपोज करो कि एक ही NO2 ग्रुप होता तो सिंपल हमारा क्या चला जाता, बिलो द प्लेन चला जाता, अगर क्या आगे दोनों के दोनों क्या आगे डिफरेंट आ गए या दोनों के दोनों ग्रुप ट्रांसफॉर्म में आ गए, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में जो ऊपर वाला पार्ट है ना, फर्स्ट वाला, ये जिस साइड से पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, उस डाइन को घुसा दो अंदर, क्या करो डाइन लो अंदर घुसा दिया, जब अंदर घुसा दोगे तो NO2 ग्रुप कहां चला जाएगा भाई, इस प्रकार हो जाएगा NO2 ग्रुप इस साइड आ जाएगा और हमारा NO2 क्या रहेगा हमेशा राइट हैंड साइड पे रह जाएगा, तो ये जो NO2 ग्रुप होगा बॉटम वाला ये क्या चला जाएगा हमारा अबव द प्लेन चला जाएगा, किससे अबव द प्लेन चला जाएगा, और ये NO2 हमारा क्या चला जाएगा बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कांसेप्ट क्या था, एक्सो एंडो का और स्टीरियो केमिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू डाइनो ग्रुप एंड डाइनोफाइल ग्रुप, बात समझ में आई, नहीं आई तो और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे इतनी ही ज्यादा स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में आएगी। क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन क्या, देखो ठीक है, प्लस ठीक है, हीट की प्रेजेंस पे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो देखिए क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, जो तुम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन करोगे भाई, होगा क्या, लाइन देखो ये
तो लाइन पे क्या आ रहा है, पीएच ग्रुप आ रहा है, तो ये पीएच ग्रुप कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। बात समझ में, तो ये राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी, सी डबल बॉन्ड ओआर की डिफाइन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में जब सी डिफाइन करोगे तो ये क्या चला जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओआर, सी डबल बॉन्ड ओआर, ठीक है। ऐसी स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलेगी क्वेश्चन में, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये क्या है हमारा, गलत है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड, जब कभी डबल बॉन्ड आ जाता है, कभी डबल बॉन्ड आ जाता है, तो हम कभी डबल बॉन्ड पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं करते। भाई डबल बॉन्ड आने से ये क्या चला गया, प्लेन में चला गया। sp2 क्या चला गया हमारा, प्लेन में चला गया। तो जब प्लेन में ही चला गया तो यहाँ पे हम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन नहीं दिखा सकते। ये क्वेश्चन जेम में भी और नेट में भी दोनों में आया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन में क्या थी, किसी में स्टीरियो डिफाइन कर रखी थी डबल बॉन्ड पे, दो ऑप्शन में, दो में डिफाइन नहीं कर रखी थी। तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल आंसर देखो, तो हमारा क्या डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आने से सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, और एक क्या अबव द प्लेन पीएच, और एक हमारा क्या चला जाएगा, बिलो द प्लेन पीएच। तो ध्यान रखे, घाट मार लीजिए इस बात को कि कभी भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उस पे जो बॉन्ड लगे होते हैं, जो उस पे भाई ये ग्रुप लगे हैं, ये हमेशा क्या होगा, इसके डबल बॉन्ड के प्लेन में होंगे, डबल बॉन्ड के क्या होंगे, प्लेन में होंगे। ये प्रोडक्ट प्रीफर नहीं करेगा क्योंकि एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक जो तुम करते हो इन पे फोकस करना है। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए, उत्तर जब इसका रिएक्शन करोगे तो देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे बनेगी। तो पहले तो चेक करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट ऐड नहीं करना पहले, क्या भाई नेगेटिव चार्ज कहां पे फॉर्म होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कहां पे होगा, यहां पे। तो क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप को घुमाना पड़ेगा। तो इस ग्रुप को घुमाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, CHO हमारा क्या चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा इंटरेक्शन क्या होगा, फिजिकल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, पास में है। तो अब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री खुद बनाए, भाई क्या है ये लाइन फिर से डाल दो बीच में, तो ये लाइन डाल दी थी, ये सी एस थ्री कहां चला गया, अबव द प्लेन, तो सी एस थ्री क्या आ गया हमारा, अबव द प्लेन। ओएमई कहां चला जाएगा हमारा, बिलो द प्लेन, तो ओएमई हमारा कहां चला गया, बिलो द प्लेन। अब एलडीआईड बसता है, तो एलडीआईड हमेशा कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। बात समझ में आई। तो ओवरव्यू क्या था, एसाइक्लिक सिस्टम में होगा क्या, एसाइक्लिक सिस्टम में जब कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करनी हो, किसकी, डाइन की। तो डाइन की क्या है, लाइन डाल के जो इस साइड आ रहा है राइट हैंड साइड, अबव द प्लेन, किसमें, अबव द प्लेन। बात समझ में आई, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है या फिर लाइन पे आ रहा है वो क्या चला जाएगा हमारा, बिलो द प्लेन। बात समझ में, डाइनोफाइल में जब कभी ग्रुप लगे होंगे, अगर पॉसिबिलिटी देखे दोनों ग्रुप आते हैं सेम, अगर दो भाई कंडीशन क्या चाहिए, ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, एक ग्रुप की कंडीशन हो सकती है सिर्फ, या फिर एक ट्रांस कंडीशन हो सकती है। जो इन तीनों कंडीशन में है, ध्यान रखिए, जो इन तीनों कंडीशन में है, हमेशा ग्रुप क्या चले जाएंगे, बिलो द प्लेन चले जाएंगे, क्या, बिलो द प्लेन चले जाएंगे। और जब ट्रांस वाली कंडीशन आती है तो इस एल्कीन को क्या करना है, घुमा के लिखना है, इस एल्कीन को क्या करना है, घुमा के लिखना है ऐसे। फिर जब हम इंटरेक्शन कराएंगे इसका डाइन के साथ, किसके साथ, डाइन के साथ, तो जब ये देखो ये ग्रुप क्या आ रहा है, घूम के इधर आ रहा है, ये ग्रुप क्या हमारा इधर आ रहा है, तो जो ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये ग्रुप क्या चला जाएगा हमारा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। ये ग्रुप कहां चला जाएगा हमारा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। और जो ये ग्रुप है हमारा, तो ये ग्रुप क्या चला जाएगा हमारा, अबव द प्लेन चला जाएगा। बात समझ में आई। तो ये सारी स्टीरियो किसमें थी, एसाइक्लिक सिस्टम में थी। अब बात करते हैं कि साइक्लिक सिस्टम में स्टीरियो केमिस्ट्री और एक्सो एंडो का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, अगर कोई साइक्लिक सिस्टम आ जाता है तो उसमें एक्सो एंडो कैसे बनाएंगे।